नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग का भाग दो पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक रेखा और एक वृत्त, एक रेखा और एक परवलय तथा एक रेखा और एक दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन सभी चर्चित वक्रों के समीकरण हम केवल प्रामाणिक रूप में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि अन्य रूपों वाले समीकरण का उपयोग हमारे इस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन क्षेत्र से बाहर है। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं प्रश्न के द्वारा। यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है प्रश्न का, वो है वक्र y बराबर x वर्ग एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इस अध्याय में अभी तक समझ आ गया होगा, सबसे पहले हमें जो हमारा प्रश्न में दिया गया होता है इक्वेशन, उससे हम जो भी आकृति बना सकते हैं उसे हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर y बराबर x वर्ग, जैसा कि आप सब जानते हैं, पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला का इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे y बराबर x स्क्वायर का। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो है y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगी y बराबर 4 के। इसके बाद हमें कहा जा रहा है वक्र y बराबर x वर्ग और रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों से घिरा जो क्षेत्र है वो कुछ ये है, AOBN। A ये क्षेत्र है पूरा जो कि घिरा हुआ है एक वक्र और एक रेखा से। अब यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे उसी प्रकार से आर्बिट्रेरी स्ट्रिप लेकर। पहले हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे हाफ पैराबोला का, और फिर उसका ट्वाइस कर देंगे हम, जिससे कि हमें ये पूरा एरिया का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों, हम सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे ओ बी एन ओ का। तो ये ओ बी एन ओ का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिप लेकर। यहाँ पर हमने जो आर्बिट्रेरी स्ट्रिप लिया है वो हॉरिजॉन्टल लिया है, तो यहाँ से हमें इसकी लेंथ मिल जा रही है x और विड्थ मिल जा रहा है dy। तो यहाँ से हमें जो हमारे क्षेत्र का क्षेत्रफल का जो सूत्र प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगा 2 गुने दिए हुए वक्र y अक्ष एवं रेखाएं y बराबर 0 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र BONB का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप बी ओ एन बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसका जब आप दुगना कर देंगे, तो आपको वक्र और रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो दिया हुआ समीकरण है y बराबर x वर्ग द्वारा निरूपित वक्र y अक्ष के परितः सममित एवं परवलय है, यानी कि हमारा जो पैराबोला है वो सिमेट्रिकल है y एक्सिस के। तो यहाँ से जो हमारा डेराइव फॉर्मूला मिल रहा है दोस्तों, वो मिल रहा है 2 गुने इंटीग्रेशन x dy, जहाँ हमारे y की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 से 4 हमने लिमिट क्यों लिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग है वैल्यू की वो 0 है, और जहाँ एंडिंग है वो 4 है। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू पुट करके, तो आपको आपका एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न उठता है वो ये होता है कि x का मान अब हम कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है उससे अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो रहा है वर्गमूल y। जब आप इसे प्रतिस्थापित करेंगे दिए गए फॉर्मूला में, तो आपको मिल जाएगा 2 गुने इंटीग्रेशन अंडर रूट y dy, जहाँ y की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 × 2/3 × y³³/2, वेयर द लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 4। जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4³× 4³³/2 - 0। जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको
एरिया मिल जाएगा 32/3। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह आप बेसिक फॉर्मूला को यूज करके एक कर्व और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर पा रहे हैं। इस प्रश्न में आपने ये जो आर्बिट्ररी स्ट्रिप लिया है, इसे आप चाहे वर्टिकल भी ले सकते हैं, उससे भी आपको आपके क्षेत्रफल में कोई अंतर प्राप्त नहीं हो, केवल उसे हल करने की प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आइए उसे भी देख लेते हैं कि जब आप पैराबोला और एक लाइन के इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करेंगे वर्टिकल आर्बिट्ररी स्ट्रिप लेकर, तो आपको वो किस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे गिवन पैराबोला और लाइन से इनक्लोज्ड एरिया में, तो आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी यहाँ से y और जो विड्थ मिलेगा वो हो जाएगा dx। उसके बाद आपको जो गिवन वैल्यूज दी गई है ये सभी y के टर्म्स में है, तो इसे अब आपको x में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप इस दोनों गिवन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो नया ऑर्डिनेट मिल जाएगा वो मिलेगा -2 और 2। तो जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलेगी -2 से लेकर 2। तो हमारे इस गिवन एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 2 × (y dx) जहाँ पर x की लिमिट हो जाएगी -2 से लेकर 2 तक। जब आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 − x² dx। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा जब आप आर्बिट्ररी स्ट्रिप के अपर और लोअर y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 × (0 to 2) 4 − x² dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिमिट कैसे बदल गई? तो दोस्तों ये लिमिट बदली है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या आएगा। तो यहाँ से जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 × (4x − x³3/3), वेयर लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 2। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 × (8 − 8/3), जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा इनक्लोज्ड बाय अ कर्व एंड अ लाइन इज इक्वल्स टू 32/3। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर एक कर्व और एक लाइन का इनक्लोज्ड एरिया कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो मोस्ट प्रेफरेबल होगा कि आप वर्टिकल स्ट्रिप ही लें। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त x²(a²) + y²(b² = 1 एवं कोटियों x = 0 और x = a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां b² = a² × 1 − e² एवं e 1 से छोटा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये क्वेश्चन पढ़कर समझ आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक दीर्घवृत्त बनाना होगा दिए गए समीकरण से। तो सबसे पहले चलिए हम दीर्घवृत्त बनाते हैं। जब आप दीर्घवृत्त बनाएंगे तो आपको वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जिसमें कि हमारा जो ऑर्डिनेट है वो x = 0 है और x = a है। जब आप उन सभी को प्रतिस्थापित करने के बाद उन सबका नाम दे देंगे तो आपको यहाँ पर जो घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो एरिया फाइंड करना है वो फाइंड करना है BOB′RSB का, इसका इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है। तो इसका इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी हम एक आर्बिट्ररी स्ट्रिप यूज करेंगे। आर्बिट्ररी स्ट्रिप हम कैसे यूज करेंगे? तो आर्बिट्ररी स्ट्रिप हम BOFSB पर ड्रॉ करेंगे। वो आर्बिट्ररी स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो y होगी और जो विड्थ होगी वो dx होगी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ से हमारा जो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × (y dx), जहाँ पर x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे दिए गए इक्वेशन से। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी b/(√a²−x²), जिसे हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 × (b√a²−x²dx), जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब यहाँ से BA हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा √a²−x²dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब ये आपको एक
फॉर्मूला में दिख रहा होगा जिसकी वैल्यू आप सब जानते होंगे। इसे आप फर्दर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसके बाद एक्स की जो लोअर लिमिट होगी वो जीरो होगी और अपर लिमिट ए ही होगी। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए अब आप एक्स की वैल्यू एक बार ए ही पुट करेंगे और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके। अब यहाँ से आप इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2b अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स e। जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ab मल्टीप्लाइड बाय e अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। और यही हो जाएगा दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम बेसिक फॉर्मूला का यूज करके एरिया रिलेटेड टू अ कर्व एंड अ लाइन हम फाइंड कर पा रहे हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर सॉल्व करें। जितना ज्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो अब समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने सीखा एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। धन्यवाद।